अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, क्या हाल है आप लोगों के। टुडे आई वांट टू स्पेसिफिकली टारगेट अ टॉपिक दैट इज सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्कप्लेस। तो आई हैव वर्क्ड एज एन असिस्टेंट रजिस्ट्रार इन फेडरल ओम्बड्समैन प्रोटेक्शन अगेंस्ट हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्कप्लेस, जिसमें मुख्तलिफ केसेस का मैंने क्लोजली मैंने उनका जायजा लिया है और उनको देखा है कि क्या हुआ है उन केसेस में। तो इट्स अ वेरी रैम्पेंट प्रैक्टिस ये सेक्सुअल हैरेसमेंट का जो भी है, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, लेकिन ये होता है। और ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ औरतों के साथ हो, मर्दों के साथ भी होता है। सो अगर आपके साथ या आपकी फैमिली में किसी के साथ, आपके फ्रेंड्स में, दोस्त अहबाब, कहीं पे भी किसी के साथ ये हो रहा है, तो इसका बहुत ही अच्छा एक फोरम मौजूद है जिसे कहते हैं फॉस्पा, FOSPAH, www.fospa.gov.pk। तो वहाँ पे ज़रा स्विफ्ट है सिस्टम, तो इसलिए भी अच्छा है। और इसके अलावा लॉयर का ये है कि आपकी मर्ज़ी पे आप लाते हैं साथ या ख़ुद को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो भी है। बाकी इसके दो एस्पेक्ट्स हैं, एक तो आप अपने जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी वर्क प्लेस है, उसमें कोई इंक्वायरी कमेटी अगर बनी है उनको आप डायरेक्ट कंप्लेन कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट फेडरल ओम्बड्समैन के पास आ सकते हैं अपनी कंप्लेन लेके। तो अब जो भी ऑर्गेनाइजेशंस वाले हैं, जो भी सीईओज हैं, जो भी हेड्स हैं, अंडर द लॉ दे आर ऑब्लिगेटेड कि वो एक इंक्वायरी कमेटी बनाए जिसमें एटलीस्ट वन फीमेल मेंबर हो और वो अपने लेवल पे ये सुने। क्योंकि आपको पता है कि फेडरल ओम्बड्समैन पूरे पाकिस्तान के वर्क प्लेसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो हर एक को नहीं सुन सकता। वो सुन भी लेते हैं जब कंप्लेन आती है, लेकिन दे प्रेफर कि हर एक अपनी एक इंक्वायरी कमेटी बनाए और वहाँ पे वो लोग सुने और उनकी एक इंक्वायरी प्रोसीजर हो उसके मुताबिक। इसके अलावा फिर अंडर द लॉ दे आर ऑब्लिगेटेड कि एक कोड ऑफ कंडक्ट वो अपने हर ऑर्गेनाइजेशन, अपने जो भी नोटिस बोर्ड है या जो भी ऐसी जगह है जहाँ पे सारे लोग आके देख सकते हैं उसे, वहाँ पे वो लगाए, जिसमें वो गिवन है। आप फॉस्पा की वेबसाइट पे जाएंगे तो यू विल फाइंड द कोड ऑफ अ कंडक्ट। तो या दीज आर सम ऑफ द बेसिक थिंग्स, एंड इफ समवन इज गोइंग थ्रू दिस तो प्लीज़ डू कॉन्टैक्ट देम, डू कम फॉरवर्ड। जब तक हम सामने नहीं आएंगे, बात नहीं करेंगे, तो ये जो मेनस है ये दिस वोंट एंड। और दूसरी बात ये कि प्लीज़ स्टॉप विक्टिम ब्लेमिंग, क्योंकि उस दिन भी वो मैनेजर की वो वीडियो के बाद लोगों ने विक्टिम ब्लेमिंग उन्होंने स्टार्ट कर दी कि जी लड़की कोई रिएक्ट नहीं किया, ये नहीं किया। तो ये याद रखें, मैंने पर्सनल मेरा वो है एक्सपीरियंस है कि बहुत सारी लड़कियां दे फ्रीज, या फिर वो कुछ बोल नहीं सकती क्योंकि वो पावर डायनामिक्स ऐसे होते हैं कि वो बहुत डरी होती हैं कि जॉब चली जाएगी। सो डोंट विक्टिम